अंशु नाम है मेरा। जो मृतक है वो कौन है? वो मेरी बहन है, मेरी पड़ोस की बहन है। क्या हुआ है, कैसे आप करेंगे? जो भी हुआ है हैवानों ने करा है। जेडे कहंदे ने कि यूपी विच कानूनी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, वो एक बारी इन्हां कुड़ियां दा दर्द भी जरूर सुन लेवे। किस तरह कुड़ियां घर अंदर ही कुट कुट के मरन लगिया ने, बाहर तो शरेआम गुंडागर्दी हुंदी ही है। क्या नाम है आपका? अंशु नाम है मेरा। जो मृतक है वो कौन है? वो मेरी बहन है, मेरी पड़ोस की बहन है। क्या हुआ है, कैसे आप करेंगे? जो भी हुआ है हैवानों ने करा है, और ऐसे ही करेंगे, हम भी मरेंगे, ऐसे ही मरेंगे। अगर हमें सेफ्टी चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए, हम अपने घर में सेफ ना है, हम परेशान है, कहाँ जाए? कहीं ना कहीं बेटा देखा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका क्या है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कुछ भी नहीं है। कहाँ से बच रही है बेटी, कहाँ से बच रही है? अपने घर में बेटी सेफ नहीं है, अपने गाँव में बेटी सेफ नहीं है, अपने घर में हैवान पैदा हो जाता है। आज इस हैवान को सजा नहीं मिली ना पब्लिक प्लेस में खड़ा करके, तो कल को मेरे भाई में हैवान पैदा हो जाएगा, वो हमें मारेगा, वो हमें मारेगा और हम मरेंगे। हम लड़की कमजोर बना रखी है इन्होंने, ना पढ़ने देंगे ना लिखने देंगे, स्कूल जाओगी मरोगी, घर में हमें ताला लगा दो, बाहर बैठ जाओ, हमारी सेफ्टी कर लो कि हमारी लड़की घर से बाहर ना निकले, ये करेंगे हमारे घर वाले। आवाज नहीं उठाते, क्यों नहीं उठाते? हम उठाएंगे अपने लिए आवाज, हम उठाएंगे, हम उसे पब्लिक प्लेस में खड़ा करके खोलते हुए पानी में 3 बार डुबा कर ऊपर खड़ा किया जाए सबके सामने पब्लिक प्लेस में, ताकि आगे तक किसी भी दरिंदे की इतनी हिम्मत ना हो कि वो किसी लड़की के ऊपर आंख उठा के देखे। वहां से हमें रास्ते नहीं दिए जाते, इधर से आते हैं सुनसान रास्ता होता है, पानी भरा होता है, उधर से आते हैं ना हाईवे के ऊपर से आएंगे तो हमें खतरा होता है, नीचे से आएंगे हमें रास्ता नहीं है जाने के लिए, नीचे से आते हैं तो नीचे से हमें क्या मिलता है? भूखों की तरह हमें देखते हैं भेड़िए, भूखों की तरह। वहां से स्टेशन पार करने के लिए हमें खतरे उठाने पड़ते हैं, भूखों की नजरें सहनी पड़ती है, घिनौनी नजरें, घिन आती है उनसे, वो सहनी पड़ती है हमें, वो सब सहकर हम स्कूल जाते हैं, वो सब इसीलिए हमें पढ़ने नहीं दिया जाता। लड़कियों को या तो जन्म से पहले ही मार दो, या फिर उनकी 15 साल की 14 साल की उम्र में शादी कर दो। हमारे गांव के सब लोगों की सोच ये है, लड़की को बड़े होकर घर से बाहर मत जाने दो, पढ़ने मत।